नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जॉब नोटिफिकेशन के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड। जो आपने कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे थे उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो बेरोजगारी भत्ते के लिए, और उसमें आपको क्या क्या परेशानियाँ आ रही है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र है वो किसका बनेगा, किसके नाम से बनेगा, उसमें फ़ोटो किसकी लगेगी, क्या क्या करना है, और भी जो आप अकाउंट SBI का ही होना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे सवाल है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे सवालों के जवाब दूंगा, जिसमें आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आप बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। जो आपके सवाल है वो मैंने इस पेज में लिख लिए हैं, और मैं उन सभी आपके जो सवाल है उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो पहला आपका सवाल या प्रॉब्लम है वो है कि जो शादीशुदा महिलाएं होती है उनका जो आप मूल निवास अपलोड करते हो तो वो कहाँ का चाहिए, ससुराल का चाहिए या फिर पियर का। तो वो आपको ससुराल का बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनवाया आपने तो बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें जो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है इसमें पियर का आपका वो मूल निवास नहीं चलेगा, आपको ससुराल का अलग से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों वो है कि जिन्होंने पहले बेरोजगारी भत्ता ले लिया, यानी कि 2012 में या 2013 में जिन्होंने पहले बेरोजगारी भत्ता ले लिया है 650 रुपये जब मिल रहे थे, तो उनको भी ये 3000 3500 रुपये मिलेंगे क्या? तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले ले लिया है उनको कोई भी बेरोजगारी भत्ता अब नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। जिन्होंने जो पहली बार ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों वो है कि जो आपका स्कॉलरशिप वाला अकाउंट है उसमें आपकी जो बेरोजगारी भत्ते का पैसा है वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने SBI अकाउंट है आपका और उसमें आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, यानी कि 12th की उसमें स्कॉलरशिप आ गई है ग्रेजुएशन की, तो उसमें आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप या तो फिर अलग कोई SBI में अकाउंट ओपन करवाइए विदाउट आधार कार्ड वाला, क्योंकि अगर आधार कार्ड से आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो उसमें SBI से लिंक्ड बता देगा। इसलिए अगर कोई किसी आप ब्रांच में बात कर लीजिए जिसमें आधार कार्ड बिना ही आपका अकाउंट ओपन कर दे, उसी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाइए न्यू, और फिर बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करिए, वरना आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि आप एक आपका इस अकाउंट में स्कॉलरशिप भी आपकी आती है गवर्नमेंट से, इसलिए आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए आप पात्र नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं। तो जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? अगर आपके अकाउंट में जो प्राइवेट जॉब कर रहे हो वो आपके अकाउंट में आ रही है इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा अगर महीने की, तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर SBI अकाउंट नहीं है और प्राइवेट किसी अकाउंट में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप SBI में अकाउंट ओपन करवाइए फिर उस बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपको भी बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको भी मिल जाएगा बेरोजगारी भत्ता। नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि 12th के बाद में जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह कर लिया, ग्रेजुएशन नहीं की, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, इसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है बेरोजगारी भत्ते के वो ग्रेजुएशन वालों को ही दे रहे हैं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है उन्हीं को सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, बाकी जो कोई भी डिप्लोमा वगैरह है या फिर 12th कर रखी है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो अगला जो सवाल है वो है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करवाओगे उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रोजगार कार्यालय में जमा करवाने हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करवाओगे उसके बाद में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स रोजगार कार्यालय में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपका जो ये बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, आपके पास SMS आ जाएगा, उसके बाद में आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है कि अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में न होकर किसी अदर बैंक में है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या नहीं। तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उसमें SBI जो बैंक का अकाउंट नेम सेलेक्ट करना होता है वहाँ पर सिर्फ SBI का ही है, अदर कोई बैंक का ऑप्शन वहाँ पर नहीं शो हो रहा, इसलिए अगर आपका अदर किसी बैंक में अकाउंट है तो आप इसके लिए
अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं हूँ। आपको SBI में बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इसके लास्ट डेट कितनी है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो दोस्तों जो लास्ट डेट है वो अभी निर्धारित नहीं है, सिर्फ आदेश इतने आए कि 1 मार्च से आपके अकाउंट में आपका बेरोजगारी भत्ता आ जाएगा। अगर आप 1 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर देते हो तो आपका अकाउंट में आपका बेरोजगारी भत्ता आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप 1 मार्च के बाद में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके बाद में आपका उसके 1 महीने बाद में आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो आएगा, ठीक है। इसकी लास्ट डेट तो कोई भी नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो आपका लास्ट सवाल है, जो कि सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है, तो वो है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो स्टूडेंट के नाम से बनेगा या फिर पिताजी के नाम से बनेगा। अगर स्टूडेंट के नाम से बनेगा तो उसमें आय फिर कितनी भरी जाएगी स्टूडेंट की। आपका जो आय प्रमाण पत्र वो कौन सा फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, कौन सा फॉर्मेट में आपको बनवाना है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट है ये है आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, जो कि आपको बेरोजगारी भत्ते की साइट से ही डाउनलोड करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी PDF का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, आपको आप इधर स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फॉर्म में आपको फिलअप करना है और किसके नाम से ये भरा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्म देख सकते हो आप, एक भरा हुआ फॉर्म है मेरे पास आय प्रमाण पत्र का, जिसको मैंने इसके बेरोजगार भत्ते के लिए अपलोड भी कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका जो पहला सवाल था कि ये किसके नाम से भरा जाएगा, स्टूडेंट या पिताजी। तो दोस्तों ये जो है आप स्टूडेंट के नाम से ही भरा जाएगा, मतलब आपके नाम से ही ये भरा जाएगा, इसमें आपका ही नाम आएगा। ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैं सारे कॉलम है आपको डिटेल वाइज से बता दूंगा। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा गया कि प्रार्थी का नाम, उसमें आप अपना नाम लिख दीजिए, स्टूडेंट का नाम, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर का जो कॉलम है उसमें लिखा है पिताजी का नाम, तो पिताजी में आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। और साइड में जो फोटो वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें आप अपनी फ़ोटो लगाइए, ठीक है। उसके बाद में नीचे है निवास स्थान का पूर्ण पता, इसमें आप अपने जो आधार कार्ड में है आपका एड्रेस वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे गांव या शहर, तो ये सारी डिटेल है आप भर लोगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। और क्या आप आयकरदाता हैं, इसमें आपको नो करना है, ठीक है। और पैन कार्ड की जो डिटेल है इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। और 13 नंबर का जो पॉइंट है वो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है कि परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि हम तो स्टूडेंट हैं हमारी क्या आय है, ठीक है। तो इसमें आपको अपने पिताजी की आय का विवरण देना है, या अपने परिवार में कोई भी किसी की भी आय है तो उसका विवरण आपको इसमें लिखना है 13 नंबर वाले कॉलम में, जिसमें लिखा है परिवार के सदस्य उनकी वार्षिक आय। अब आपकी तो 0 है, लेकिन अब इसमें आप अपने पिताजी या फिर अपनी मम्मी की किसी की भी आय लिख सकते हो, ठीक है। उनका नाम लिख दीजिए, पहले सदस्य का नाम है इसमें अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उम्र, यहाँ पर पिताजी की उम्र लिखनी है। और संबंध मुखिया से, तो इसमें आपको स्वयं ही करना है। अगर आपके राशन कार्ड में जो अगर पिताजी का नाम से आपका राशन कार्ड है जिसमें मुखिया आपके पिताजी है तो स्वयं कर दीजिए। अगर उसमें आपकी मम्मी मुखिया है तो आप यहाँ पर पति कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में बाद वाला कॉलम है उसमें आय, व्यवसाय व उसकी प्रकृति, तो उसमें अगर आपके पिताजी कृषि है तो फिर कृषक लिख दीजिए, कृषि करते हैं तो कृषक लिख दीजिए, मजदूरी करते हैं तो मजदूर लिख दीजिए। और उसके बाद में आगे वाले कॉलम में आपको लिखनी है वार्षिक आय, जिसमें आप 40,000 50,000 जितनी आपकी आय है वो लिख दीजिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए तब ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी पैन कार्ड वगैरह की डिटेल नहीं मांग रहे हैं। अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट टीचर है तो भी आप इस बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हो, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपके पिताजी की कोई डिटेल नहीं मांग रहा पैन कार्ड वगैरह, जिससे आप इनको पता चले कि आपके पिताजी गवर्नमेंट टीचर है या कोई और, ठीक है। तो इसमें आप 60-70 हज़ार तक कितनी भी आय कर सकते हो। फिर नीचे है दिनांक वगैरह है, आपका स्थान है, और यहाँ पर देखो नीचे प्रार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको खुद के हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये तो हो गया आई फॉर्मेट, उसके बाद में है के फॉर्मेट। 2 फॉर्मेट है आपको वहाँ पर बेरोजगारी भत्ते में जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो के वाला फॉर्मेट है इसमें आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के वो
मोहर और हस्ताक्षर करवाने हैं, ठीक है, जिसमें जो ये आपके गवाह होते हैं, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य या फिर राजपत्रित कोई भी अधिकारी, जिला प्रमुख हो सकते हैं, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित पीएचसी, सीएचसी के चिकित्सक, बीडीओ, सहायता अभियंता, यानी कि ये जो इनके पास मोहर होती है, इनमें से सारे ही इसके जो आपके गवाह हैं वो बन सकते हैं। तो आप एक तो स्कूल के टीचर से करवा लीजिए और सरपंच वगैरह है तो उनसे करवा लीजिए। अगर आप सिटी से हो तो आपके जो संसद सदस्य या विधानसभा पार्षद वगैरह होते हैं उनसे आप करवा लीजिए, ठीक है। दो गवाह चाहिए इसमें, आप इसको तैयार कर सकते हो फिर, और आपको कोर्ट से इसको नोटरी भी करवाना है, ठीक है, कोर्ट से आपको इसको नोटरी भी करवाना पड़ेगा, तो वो भी करवाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी ये सबमिट नहीं होगा। अगर वो आप नोटरी नहीं करवाओगे तो फिर आपके पास सैंड बैग आ जाएगा और आप के जो बेरोजगारी भत्ता है फिर उसमें देरी हो सकती है, फिर से आपको दोबारा पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले ही नोटरी वगैरह सब कुछ करवा लीजिए, उसके बाद में ही आप अपलोड करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने से पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो के इस जो बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह आती है तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हो, ठीक है।